छत्तीसगढ़ भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ विधायक और आरोप पत्र समिति के संयोजक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप पत्र समिति की बैठक और आरोप पत्र तैयार करने की बात पर कहा कि एक झलकी देते हैं, 8 करोड़ रुपए के डैम बिना काम और टेंडर के बन गए, पैसा भी निकाल लिया गया और टेंडर भी नहीं बना। देखिए क्या है कि कल तो दिन भर के लिए स्थगित हो जाएगी जो परंपरा है उसके अनुसार, और सत्र 3 ही दिन का रहेगा। अब 3 दिन के सत्र में भाजपा का या विधानसभा का सबसे बड़ा जो मोशन माना जाता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने मोशन में ला दिया है। अब चर्चा जिस दिन नियत करे उसके ऊपर है, और यदि सरकार को ईमानदारी से काम करना है, उसके पास कोई बिजनेस है, कोई विजन है, कोई दृष्टि है, अभी तक तो कोई दृष्टि दिखती नहीं, सिवाय उनके विनियोग विधेयक के छोड़ कोई दूसरी चीजें आएंगी नहीं, तो उनको और कोई काम करना है तो 3 दिन के सत्र में वो संभव नहीं है। सारे उनके विषय व्यवगत होंगे और हम अध्यक्ष जी से ये आग्रह करेंगे कि आप आखिरी सत्र है, खुली चर्चा आप बिना किसी निर्धारण के, समय के निर्धारण के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करवाइए। जितने लगे हम उतने तो होंगे, 3 दिन के बिजनेस, सरकारी बिजनेस का सवाल है, सरकारी बिजनेस होगा कि नहीं होगा, और सरकार के पास बिजनेस है कि नहीं है विनियोग के छोड़, कि दिशाहीन हो गई कि गिल्ली डंडा भौरा में ही लगा है सरकार, कि जनता कल्याण के लिए कोई विषय है कि नहीं। इसलिए एक झलकी आपको बता देता हूं, 8 करोड़ के डैम बिना टेंडर के बिना काम के बन गए और पैसे भी निकल गए, टेंडर भी नहीं हुआ। अब इसको आप तलाश लीजिए कहां है। यदि सरकार में दम है तो हमारे आरोप पत्र पर वो कमेटी बनाए जिस दिन जारी करेंगे उस दिन, और जांच समय में करवाएंगे, हम झिरम पर भी लिखेंगे उसमें। इस तरह से कांग्रेस के जो लोग वहां पे नक्सलियों के हाथों मारे गए उनके भावनाओं के साथ श्री भूपेश बघेल ने कैसा खिलवाड़ किया, जवानी जमा खर्चा करते रहे, पास शराब बंदी घोषित है, गंगा जल की कसम हम धान खरीदी और कर्ज माफी के लिए खाए हैं। वो कर्ज माफी में लिखा था क्या कहीं पे, अल्पकालिक, मध्यमकालिक, दीर्घकालिक, उसके घोषणा पत्र में? तो ये जो वो बोले सही, हम बोले वो सब गलत, ऐसा नहीं है। जो आप लिखे हो आपको बताना पड़ेगा गंगा जल की सौगंध किस किस चीज के लिए खाई है आपने। तो ये झूठ का पुलिंदा, असत्य, डिफॉल्टर सरकार, कर्ज लेने वाली सरकार, और कर्ज में भी अब डिफॉल्टर होगी, कर्ज नहीं मिलेगा 2 साल बाद छत्तीसगढ़ को। संस्कृति क्या है इसको भूपेश बघेल जी से या उनकी सरकार से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं, सिर्फ हरेली भर एक आयाम नहीं है, समझ रहे ना। दुर्ग जिले में या कुरुपडीह में जो घटनाएं घटती हैं वो प्रदेश का नहीं हो सकती, प्रदेश में जो बड़ी बड़ी चीजें संस्कृति के संवाहक है जिसके लिए छत्तीसगढ़ देश दुनिया में जाना जाता है, उसको कांग्रेस या कोई कांग्रेसी जानता भी नहीं, समझ रहे हो ना, जानता भी नहीं। हरेली को बच्चा बच्चा जानता है, हर किसान जानते हैं, उसको प्रहसन की तरह प्रमोट करने की क्या जरूरत है, जो चीजें प्रमोट करने की जरूरत है उनको प्रमोट करना ही ये नहीं जानते भूपेश बघेल जी और उनके संस्कृति मंत्री ना उनके झब्बू लोग।